हाय गाइस, दिस इज शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। गाइस, आखिर वो दिन आई गया जिसका हर ट्रेडर बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि भैया कब कंफर्मेशन आएगी सेबी की तरफ से, कब कंफर्मेशन आएगी रेगुलेटर की तरफ से। जो मार्केट में अफवाहें उड़ रही हैं, जो मार्केट में रूमर्स उड़ रही हैं उनके ऊपर, और गाइस वो दिन आ ही चुका है जब सेबी ने अपना कंसल्टेशन पेपर जो है वो जारी कर दिया है, जिसके अंदर उन्होंने रूल्स डिफाइन किए, जिसके उन्होंने बताया कि क्या अपडेट्स है, क्या चेंजेस हैं। और मेरे को गाइस बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारी कॉल्स आ रही थी पिछले कुछ दिनों में, और हर कोई ये पूछ रहा था कि शक्ति भाई क्या मार्केट में आगे अब ट्रेडिंग बंद होने वाली है, क्या ऑप्शन बायर्स या ऑप्शन सेलर्स का कोई फ्यूचर है मार्केट के अंदर, क्या ऑप्शन राइटर अब मार्केट से चला जाएगा, क्या मार्जिन को इंक्रीज किया जा रहा है, क्या अब यहाँ पे लॉट साइज जो है वो इंक्रीज होने वाला है, तो अगर लॉट साइज बढ़ जाएगा हम कैसे काम करेंगे, हम छोटे ट्रेडर हैं, या अगर मैं 2 लाख की कैपिटल से काम करता हूँ तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा। तो गाइस इन सभी चीजों के ऊपर मैंने यही बोला था कि भैया अभी तक ये रूमर्स है, अभी इन पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, और मुझे नहीं लगता कि इतने सारे बदलाव होने वाले हैं, इतने सारे चेंजेस आने वाले हैं, या कुछ भी ऐसा किया जाएगा जिससे कि ट्रेडिंग ही बंद हो जाए। तो गाइस सेबी ने अपनी तरफ से कदम उठाया है ये स्पेकुलेशन को कम करने के लिए, इन ट्रेडर्स को मार्केट से भगाने के लिए, कि जो मार्केट में आके मनगढ़ंत किसी भी तरह के ट्रेड लेते थे या किसी भी तरीके से काम कर लेते थे, कोई 2,000 लेके आ रहा है, 5,000 लेके आ रहा है, जब सबको पता है कि भैया इतने छोटे पैसे से कोई मार्केट में जैकपॉट नहीं लगने वाला, ऐसा नहीं है कि 2,000 के 20,000 बना लोगे, जो इस इंटेंशन से आता है वो पैसा बना नहीं पाता, पैसा गवा के चला जाता है। तो इन चीजों को कम करने के लिए सेबी ने कुछ कदम उठाए, और मेरे को ही लगता है कि इसके इतना ज्यादा कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है ट्रेडिंग के ऊपर, मुझे पर्सनली इसका इतना ज्यादा इंपैक्ट नजर नहीं आता, और मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स को इसका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमें पेज नंबर अभी 13 पे, 14 पे, 15 पे, 16 पे, तो ठीक है ज्यादा पॉइंट्स पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, आपको लिंक शेयर कर लूंगा, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में पढ़ लेना। पहले जो 4 पैराग्राफ्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, सीधा आते हैं 5वें पॉइंट से, जहां पर मुझे लगता है कि ये चाहिए एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए जाननी और समझनी इंपॉर्टेंट है, जो उनको इंपैक्ट कर सकती है, जिसपे उनको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अपनी ट्रेडिंग में अकॉर्डिंगली बदलाव लेके आने पड़ेंगे। तो गाइस बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। 5 में पहला पॉइंट जो है वो बात की गई है स्ट्राइक इंटरवल को लेके, स्ट्राइक इंटरवल जो है 4% के अराउंड। तो गाइस देखिए, अभी जैसे कि हम बात करें बैंक निफ्टी की, लेट्स से कि वो 50,000 पे चल रहा है, अभी 50,000 पे चल रहा है, तो अगली स्ट्राइक प्राइस क्या होती है 50,100, तो ये कितने परसेंट के आसपास होती है, लगभग 2% के आसपास। तो इसके इंटरवल को, शायद मुझे ऐसा लगता है जहां तक मैं समझ पाया हूं उसको, इसके इंटरवल को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बढ़ाने की बात की जा रही है कि 2% इसको बढ़ा के ये 4% के आसपास की जाएगी। मतलब अगर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसमें जो इंटरवल अभी 100 का हुआ करता था, ज्यादा से ज्यादा 100 की जगह क्या होगा 200 का इंटरवल हो जाएगा, 50,000 के बाद अगली स्ट्राइक प्राइस जो आएगी वो सीधा 50,200 की आ जाएगी। तो इसके नुकसान, मुझे नहीं लगता इतना कोई नुकसान इसका पड़ने वाला है, क्योंकि जनरली मैं जो काम करता हूँ, मैं ऑप्शन राइटर हूँ, तो मैं ज्यादातर एट द मनी ऑप्शन को बेच के चलता हूँ, और मैं यहाँ फिर फर्स्ट जो आउट द मनी ऑप्शन है उसको बेच के चलता हूँ, या फिर फर्स्ट इन द मनी ऑप्शन को बेच के चलता हूँ, तो 3 स्ट्राइक प्राइस तो होती है, तो 100 पॉइंट ऊपर नीचे से मुझे कोई फर्क नहीं लगता। और जब भी मैं शॉर्ट करने जाता हूँ तो ऐसा नहीं कि 50,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा है, 50,000 पे चल रहा है, और मैं अगर इसको 49,900 वाली शॉर्ट करूं या 800 वाली शॉर्ट करूं तो इससे इतना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। मैं अगर कॉल को शॉर्ट कर रहा हूं, मार्केट अगर नीचे गिरेगी तो भाई 900 वाली भी टूटेगी, 800 वाली भी टूटेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि 900 वाली जो है वो 100 पॉइंट टूट गई और 800 वाली सिर्फ 2 पॉइंट टूट रही, ऐसा तो नहीं होता ना, सेम प्रोपोर्शन में वो गिरती भी है, जितनी बड़ी स्ट्राइक प्राइस है उतनी बड़ी प्रोपोर्शन में गिरती है। तो ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडर्स को इस चीज से दिक्कत नहीं आने वाली, अगर ये 200 ऊपर नीचे हो भी जाता है तो मुझे इसमें इतनी दिक्कत नजर नहीं आती। ऑप्शन बायर के लिए हो सकता है, पर ऑप्शन राइटर को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को अगर राइटिंग करनी भी है तो मैं 49,900 को भी पकड़ सकता हूँ, 800 को भी पकड़ सकता हूँ, 50,000 को भी पकड़ सकता हूँ, 50,200 को भी पकड़ सकता हूँ, मुझे जिस मर्जी में काम करना है उस मर्जी में काम कर सकता हूँ, और इससे मुझे कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट इसका नजर नहीं आता। पर ये इसलिए की गई है शायद कि कहीं ना कहीं इसका गैप अगर बढ़ा दिया जाएगा तो ऑप्शन बायर्स या फिर ऑप्शन ट्रेडर को थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। मुझे लगता है ये डिसीजन शायद इसलिए लिया गया कि थोड़ा सोच समझ के, भैया और ज्यादा सोच समझ के अपने ट्रेडिंग डिसीजन लो, थोड़ा गहराई में जाओ, थोड़ी स्टडी करो, पढ़ो कि भैया कौन से स्ट्राइक प्राइस जो है किसका डेल्टा क्या चलता है, कितना इंपैक्ट पड़ेगा, गामा क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो अब थोड़ी सी डीप स्टडी इन चीजों के बारे में भी करनी पड़ेगी, करनी इनफैक्ट चाहिए, ये कहीं ना कहीं आपको काम ही आने वाली है। पर ऑप्शन राइटर के लिए मुझे इतनी बड़ी दिक्कत इसमें नजर नहीं आती, पर ऑप्शन बायर को डेफिनेटली इस पे फर्क पड़ने वाला है। तो ऑप्शन बायर को जाकर थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अपनी नॉलेज और ज्यादा इनहेंस करनी पड़ेगी, राइट। जिसमें मुझे कोई इतना चैलेंज लगता, अगर मार्केट में आपको करियर बनाना है तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी यार, इन चीजों पर गौर तो करना ही पड़ेगा, इन चीजों पर काम तो करना ही पड़ेगा। और इसके बाद अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, बियॉन्ड द इनिशियल कवरेज थ्रेशोल्ड स्पेसिफाइड अबव द स्ट्राइक प्राइस इंटरवल टू बी एक्सटेंडेड इंश्योर, ये इतना ज्यादा कुछ मेरे को समझ नहीं आया, और ना ही इतना ज्यादा कुछ मेरे को लगता है कि इसमें जानने की जरूरत है। यहाँ पे ये जो 5.1.3 ये जो है ये काम का मेरे भाई, द नंबर ऑफ स्ट्राइक्स एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन नॉट मोर देन 50। देखो पहले क्या होता था, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग की बात है, शायद जैसे अगर समझ लो बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो 50,000 पे अगर बैंक निफ्टी खड़ा है तो 35
से 40 शायद नीचे की तरफ होती थी, 35 से 40 शायद ऊपर की तरफ होती थी, और कुल मिला के बात चल रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ 50 स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल होंगी काम करने के लिए। और मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नजर नहीं आती, 50 स्ट्राइक प्राइस यार 50 के बाहर जाके, मतलब मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं, 50,000 बैंक निफ्टी खड़ा है, तो मैं 50,000 की जगह कोई 55,000 में जाके थोड़ी काम करने वाला हूँ, मैं कोई 54,000 में काम थोड़ी करने वाला हूँ। ये नए नए ट्रेडर करते हैं, नए नए ट्रेडर क्या करते हैं, भैया बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 50 पे, हो जाएंगे 47,000 की कोई पुट खरीद के बैठे होंगे, और कहेंगे भैया मार्केट आज 1% नीचे गिर गई, मेरी पुट जो हिली भी नहीं, भाई इतनी दूर की स्ट्राइक प्राइस में क्या करने गए थे। तो नया नया ट्रेडर गलती करता है, उसको ऐसा लगता है कि भैया एक वाली चीज जो सो की होती है ना, तो एक वाली चीज को खरीद के रख लेता हूँ, ये एक हफ्ते का टाइम है, कभी ना कभी तो सो की हो ही जाएगी, और नहीं होती, और उनको नुकसान लेने पड़ते हैं, 5 वाली 10 वाली ऑप्शन वो खरीद के रख लेते हैं दूर जाके कहीं ना कहीं। तो ये चीज जो है ये काम की नहीं है, ये पहले भी काम में नहीं आती थी, कोई एक स्किल ट्रेडर है वो उसमें जाके काम नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में जाते भी हैं, अगर 50,000 बैंक निफ्टी चल रहा है तो मैं ज्यादा से ज्यादा 1,000 पॉइंट दूर चला जाऊंगा, और 1,000 पॉइंट दूर भी क्यों जाऊंगा, मेरे को अगर ऑप्शन को राइट करना है, 50,000 वाली कॉल या पुट को मैं एटीएम में जाके बेचना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि 1 लाख की जगह मेरा जो तो मार्जिन लगे वो सिर्फ 30,000 में मेरा काम हो जाए, तो मैं करूंगा दूर एक ओटीएम खरीद लूंगा, ओटीएम को बाय कर लूंगा और एट द मनी को बेच दूंगा, कोई मतलब 15 वाली या 20 वाली कॉल या पुट खरीद के यहाँ पे मैं 500 वाली कॉल या पुट को बेच दूंगा, इससे मेरा मार्जिन क्या होगा, 1 लाख की जगह 30,000 में मेरा काम बन जाएगा। तो मैं आउट ऑफ द मनी में सिर्फ तभी जाऊंगा जहां से 1,000 पॉइंट दूर चला जाऊंगा यार, 1,200 पॉइंट दूर चला जाऊंगा, 1,500 पॉइंट दूर चला जाऊंगा। तो यहाँ पे तो ये जो बात कर रहे हैं ये तो शायद मेरे ख्याल से 52,000 के आसपास तक की कर रहे हैं, 52,000 तक रहेगी, मतलब 2,000 पॉइंट ऊपर 2,000 पॉइंट नीचे वहां पर स्ट्राइक प्राइस रहेंगी। और अगर ये गैप बढ़ गया, ये गैप बढ़ गया अगर 200-200 पॉइंट का हो गया, तो खुद ही सोच लो भाई कहां तक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नजर नहीं आती, इसका भी कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, इसके बारे में इतना सोचना या गम मनाना या सोचना कि भाई अब आगे ट्रेडिंग बंद हो जाएगा मैं कैसे ट्रेडिंग करूंगा, अब तो गैप बढ़ गया, अब तो वहां पे जो ऑप्शन है सिर्फ 52,000 तक अवेलेबल है, 52,500 तक अवेलेबल है, तो भाई 54,000 में 55,000 में क्या करना है आपने, 4,000 पॉइंट 5,000 पॉइंट दूर जाके क्यों काम करना है, काम करना भी है तो भैया वहां पैसा थोड़ी बनेंगे, वहां पे जो जितना ही पैसा लगा वो मिट्टी होने वाला है। ठीक है, तो इसका भी हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अभी तक हम सही चल रहे हैं, आगे दिक्कत है उसके बारे में भी बात करेंगे, और उसके बारे में भी अगर मैं बात करूंगा इस हर चीज का सोल्यूशन निकल आता है, हर चीज जो है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में सॉर्ट आउट हो जाएगी, और लोग आने वाले टाइम में जितने भी चेंजेस हुए उनको ही भूल जाएंगे। पहले जैसे कि अगर मेरे को एक ऑप्शन राइट करनी है, मेरे को आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदनी भी नहीं पड़ती थी, सीधा 10,000 रुपए के मार्जिन में, 10,000 के मार्जिन में या 7,000 के मार्जिन में मैं कॉल या पुट को बेच सकता था, पर धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, धीरे धीरे ये मार्जिन जो है 7,000 का बढ़ा के सीधा 1 लाख कर दिया, तब भी काम होता है, आज भी काम होता है, आगे भी काम होता रहेगा। तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें गम मनाने वाली बात नहीं है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन जो है कहीं ना कहीं निकल आता है। आगे वाला पॉइंट जो है गाइस, इसके बारे में बात कर लेते हैं, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फॉर ऑप्शन बायर, ये भी भाई ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, ये बात कर रहे हैं कि भैया अपफ्रंट कलेक्शन करनी पड़ेगी ऑप्शन के प्रीमियम की ऑप्शन बायर से। देखिए जितने बड़े ब्रोकर्स हैं, अगर मैं बात करूं जियोदा की, अपस्टॉक की, धन की, ये सब क्या करते हैं, अपफ्रंट आपसे प्रीमियम लेते तो हैं, मार्जिन भी अपफ्रंट लेते हैं, ऑप्शन राइटिंग करने के लिए भी जितना आप सैलरी में बोल रखा है भैया उतना तो पैसे लेके चलते ही हैं, ऑप्शन बाइंग के लिए भी अगर कोई 300 वाली मुझे कॉल खरीदनी भी है 100 क्वांटिटी के अंदर, तो मेरे को 30,000 पूरे के पूरे देने पड़ते हैं। अगर मेरे पास अकाउंट में 29,000 रुपए हैं तो वो कह देंगे भैया मैसेज दे देंगे भैया शॉर्टफॉल है, 1,000 रुपए और रखो अपने अकाउंट में तब आप खरीद पाओगे, तो इसका बेनिफिट कहाँ मिल रहा है, ये उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो छोटे ब्रोकर हैं, झोला छाप ब्रोकर हैं, टटपुंजिए, जो आज भी कहते हैं कि भैया हमारे पास आ जाओ जुआ खेलो, 5,000 रुपये लेके आओ और हमारे पास काम कर लो, 25,000 रुपये की कॉल या पुट खरीद लो। तो उनके उनको कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए उन्होंने एक अपडेट दिया है कि भैया आगे से ध्यान रख लेना, कर रहे हो तो बंद कर दो और लेना शुरू कर दो, पर हम लोग ये ऑलरेडी मार्जिन दे रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी प्रीमियम पूरा का पूरा अपफ्रंट दे के चल रहे हैं, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती। तीसरी चीज जो है 5.3, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसका कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा 5% ट्रेडर्स पर फर्क पड़ने वाला है। देखिए वैसे हमारे यहाँ पे हेजिंग जो है बहुत कम लोग यूज करते हैं, और हेजिंग के अंदर ये बात चल रही है कैलेंडर स्प्रेड की, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे, सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डे की बात चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1% ट्रेडर्स पे ही इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। कैलेंडर स्प्रेड क्या होते हैं, जहां पे समझ लो इस बार वाले कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां पे मैंने कॉल और पुट को बेच दिया, और अगली जो एक्सपायरी है मतलब इस एक्सपायरी के बेच दिए और अगली एक्सपायरी की मैंने कॉल और पुट को खरीद लिया, तो ये स्प्रेड क्रिएट हो जाता है, जहां पे कम मार्जिन के अंदर आप ये स्प्रेड क्रिएट कर लेते हो, क्रेडिट खाने की कोशिश करते हो, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं, पर मैं जहां तक जानता हूँ ज्यादातर वही लोग होते हैं जो हेजेस बनाए काम करते हैं, आर्बी ट्रेडर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके पास बहुत मोटा फंड होता है और उनका टारगेट होता है कि भैया महीने के 2 से 3% तक अपनी कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट करना, ये उनका टारगेट होता है, 1 करोड़ की कैपिटल है तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर वो कोशिश करते हैं कि भैया हमारा 1 लाख
लाख रुपए बन जाए, 1.5 लाख रुपए बन जाए, 2 लाख रुपए बन जाए, 1 करोड़ रुपए के, वो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट निकाल के वो लोग बहुत खुश होते हैं। साल के अंदर वो अगर 25-30 लाख% अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर निकाल लेते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। तो ज्यादातर ये बड़े जो आर्बिट्रेजर्स होते हैं, बड़े कंपनीज वाले होते हैं, बड़े मैनेजर्स होते हैं, फंड मैनेजर्स जो दूसरों का पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, वो इस तरह की स्ट्रेटेजीज में काम करते हैं ज्यादातर। पर ऐसा नहीं कि छोटे ट्रेडर्स नहीं करते हैं गाइस, मैं खुद करता हूँ इसमें काम कई कई बार। मैं कई बार क्या करता हूँ, मेरे को लगता है कि भाई प्रीमियम बहुत तेज है, कोई इवेंट आने वाला है, तो मैं इस बार की जो ऑप्शंस होती है उसको बेच देता हूँ, अगली बार की ऑप्शन जो है खरीद लेता हूँ। इसी को बोलते हैं क्लिंडर स्प्रेड। और यहाँ पे दिक्कत नहीं है, आप अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे काम करते हो, अगर आप एक्सपायरी वाले दिन काम नहीं कर रहे, किसी और दिन अगर क्लिंडर स्प्रेड बना रहे हो, तो उसमें मार्जिन पहले की तरह लगेंगे। सिर्फ एक्सपायरी डे की बात चल रही है, एक्सपायरी डे वाले दिन अगर समझ लो कल जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन मैं क्लिंडर स्प्रेड बनाता हूँ, तो मुझे मार्जिन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। या फिर मार्जिन का बेनिफिट, यहाँ पे भी और क्लैरिटी की जरूरत है गाइस। ये मार्जिन का बेनिफिट ऐसे नहीं कि कंप्लीटली खत्म कर देंगे। समझ लो मैंने एक क्वेश्चन बना रखी है, आज मैंने 30,000 के अंदर एक ऑप्शन क्लिंडर स्प्रेड बना लिया, आज वेडनेसडे है, कल एक्सपायरी है थर्सडे, तो सीधा मतलब पूरा का पूरा मार्जिन ले लेंगे 1 लाख रुपए। अगर मैंने आज पोजीशन बनाई है, आज तो मेरी ब्रोकर पोजीशन नहीं काट रहा क्योंकि 30,000 का मार्जिन आज की डेट में रिक्वायर्ड है। मेरा ट्यूसडे है, ठीक है, मैं 30,000 का मार्जिन मेंटेन कर रखा है, उसमें दिखा रहा है कि 30,000 के अंदर आपकी पोजीशन बन गई। अगला दिन होते ही एकदम से सिस्टम बदल जाएंगे, एकदम से मार्जिन जो है वो बढ़ जाएंगे। और अगर बढ़ जाएंगे तो मेरे को दिन की शुरुआत में ही क्या मैसेज आ जाएगा कि भैया आपका मार्जिन जो है कम पड़ रहा है क्या, या फिर ब्रोकर इस पर पोजीशन बनाना ही नहीं देगा, एक दिन पहले ही मेरे को पोजीशन काटनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे क्लैरिटी आने की अभी जरूरत है। आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस पर क्लैरिटी और ज्यादा आएगी, तो हमें और ज्यादा पड़ेगा मतलब पता चलेगा कि आगे हमें इस पर किस तरीके से काम करना है। भाई इसका इम्पैक्ट जैसे कि मैंने बताया 1% ट्रेडर पे भी नहीं पड़ता, क्योंकि क्लिंडर स्प्रेड बनाते ही कितने लोग हैं, और अगर बनाते भी हैं तो पूरे वीक में सिर्फ एक एक्सपायरी वाले दिन के तो मना कर रहे हैं। और एक्सपायरी वाले दिन भी ऐसा नहीं होगा 30,000 से सीधा बढ़ के 1 लाख हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक्सपायरी वाले दिन 30,000 से बढ़ के प्रीमियम जो है 32 कर देंगे, 35 कर देंगे, 40 कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आगे आने वाले पॉइंट में यही कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं 3 से 4% मार्जिन के बढ़ने की। ठीक है, तो आगे मैं आपको समझाऊंगा पढ़ाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इम्पैक्ट जो है इतना ज्यादा नहीं पड़ने वाला। इंट्राडे मॉनिटरिंग और पोजिशन लिमिट, भाई ये भी तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, इंट्राडे मॉनिटरिंग हम लोगों को तो करनी नहीं, ये तो ब्रोकर का काम है। ब्रोकर को क्या करना है, जाके देखना भैया कि लिमिट जो दे रखी है या मार्जिन जो दे रखा है या पोजीशन जो बना रखी है वो सही तरीके से बना तो बना रखी है कि नहीं बना रखी। ऐसा तो नहीं कि 1 लाख रुपए के अंदर 5 लाख का माल उठा रखा है, तो ऐसे तो ब्रोकर पहले तो उठाने नहीं देता। अगर उठा भी लिया, उठा कैसे लेते हैं ट्रेडर्स, वो क्या करते हैं, जैसे समझ लो कि दूर आउट ऑफ द मनी कॉल्स खरीद ली, आउट ऑफ द मनी कॉल खरीद ली और एक आईटीएम को बेच दिया। अब इसमें क्या हुआ, मेरे अकाउंट में 30,000 रुपए हैं, मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद लूंगा और इन द मनी बेच दूंगा तो मुझे करने देगा, 30,000 रुपए के अंदर मैं इसको बेच सकता हूँ। पर अगर मैंने जो मैंने कॉल खरीद रखी है आउट ऑफ द मनी, इसको अगर मैं बेच देता हूँ, जो मैंने बेच रखी है इसको तो मैंने नहीं खरीदा, पर जो खरीद रखी थी उसको मैंने बेच दिया, तो फिर इसका जो एक्चुअल मार्जिन है वो मुझे मेरे पास होना चाहिए 1 लाख रुपए का। तो इससे क्या होता है, कई बार मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाता है, इसका मैसेज भी आया जाता है। तो इंट्राडे के अंदर ही इस पे लगाम लगानी पड़ेगी। कई ट्रेडर क्या करते हैं, दिन के आखिर में इस तरीके क्वेश्चन आता है, अगले दिन के लिए कैरी कर लेते हैं, 30,000 के अंदर ही 1 लॉट कैरी कर लेते हैं विदाउट हेज, और अगले दिन फिर उनको मैसेज आता है, देर शाम को मैसेज आता है कि भैया अपना मार्जिन जो है मेंटेन करो, और ब्रोकर के हाथ में कुछ भी नहीं होता, मार्केट बंद हो चुकी है, पोजीशन को काट भी नहीं सकते, तो ये दिक्कत आती है। तो अब इंट्रा डे के अंदर ही इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, इंट्रा डे के अंदर ही इसका कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा कि इस तरह की पोजीशन जो है नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड ना हो। गाइस अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके बारे में सब कोई जानना चाहते थे, यहाँ पे है, यहाँ पे बात चल रही है कि भैया मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज आगे आने वाले टाइम में क्या होना चाहिए। आगे आने वाले टाइम में मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है इवेंचुअली 20 से 30 लाख रुपए के आसपास होने वाला है, पर ये 2 फेजेस के अंदर करने वाले हैं। तो भाई ये चीज बिल्कुल ठीक थी, जो कॉन्ट्रैक्ट साइज की बात चल रही थी कि भैया अब कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ने वाला है, बढ़ने क्यों वाला है, जो छोटे ट्रेडर्स उनको मार्केट से भगाने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि भैया यहाँ पे ट्रेडर्स मानने वाले हैं या फिर ट्रेडर्स भागने वाले हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए अभी कॉन्ट्रैक्ट साइज की वैल्यू क्या होती है, एक फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट की बात करें 7 लाख के आसपास होता है, इनिशियल फेज में बात हो रही है 15 लाख के होने की, मतलब कि डबल होने की। अभी अगर मेरे को 1 लॉट में काम करना है तो मैं 1 लॉट के अंदर 1 लाख में काम कर सकता हूँ। आने वाले टाइम में लॉट साइज बड़ा हो रहा है, मार्जिन नहीं बढ़ रहा, तो वो 7 लाख की जगह 15 लाख में 2 लाख रुपए मेरे को अपने अकाउंट में मेंटेन करने होंगे। ये तो मैं ऑलरेडी कर रहा था। अगर मैं 2 लॉट से काम करता हूँ, अगर मैं 5 लॉट से काम करता हूँ, अगर मैं 10 लॉट से काम करता हूँ, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, वो उतनी वैल्यू के अंदर काम करने वाला है, उतने ही उसके पॉइंट्स निकलेंगे, उतने ही उसको प्रॉफिट होगा, उतने ही उसको नुकसान होगा। सिर्फ और सिर्फ जो जो लॉट का साइज है, साइज चेंज हो रहा है, यहाँ पे मार्जिन नहीं बढ़ रहे। ऐसा नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग महंगी होने वाली है, पर जो लोग 1 लॉट से काम करते थे 1 लाख रुपए रख के, या फिर जो लोग 30,000 रुपए रख के अपने अकाउंट में ऑप्शन राइटिंग करते थे, सेलिंग किया करते थे हेज बना के, तो अब वो उनको 30,000 की जगह अब उनको 60,000 रुपए मिनिमम अपने अकाउंट के अंदर रखने पड़ेंगे, और अकॉर्डिंगली
कैपिटल जो है एडजस्ट करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे किसी को भी ये करने में दिक्कत होती है, क्योंकि ऑप्शन राइटर मैंने देखा जनरली उनके पास पैसे होते हैं। ऑप्शन राइटिंग, ज्यादातर लोग ऑप्शन राइटिंग में ही अपना करियर बनाने आते हैं, ऑप्शन राइटिंग के ही बेनिफिट उठाना चाहते हैं, और ऑप्शन राइटिंग को ही ज्यादा प्रॉफिटेबल समझते हैं। और जो इसकी समझ रखता है, जो एक ट्रेडर मार्केट से पैसा निकालना जानता है ऑप्शन राइटिंग करके, और अगर पैसा बना पा रहा है तो उसको 30,000 की जगह 60,000 या 6 लाख भी मेंटेन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो सीख जाता है, अगर वो समझ जाता है, और अगर उसमें स्किल्स हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी कैपिटल बढ़ाता रहता है। पर हाँ, ये चीज समझने वाली गाइस, देखिए हो सकता है कि मैं 1 लॉट से अच्छा काम करूं, मैं 10 लॉट से अच्छा काम नहीं कर पाऊं। ये चीज हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं आड़े आ जाती है। एक लॉट में इतनी जल्दी कोई प्रॉफिट या नुकसान ऐसा नहीं होता कि एक लॉट के अंदर 50,000 का नुकसान हो गया, या ऐसा नहीं होता एक लॉट के अंदर 50,000 का एकदम से फायदा हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है छोटे छोटे प्रॉफिट दिखते हैं, 3,000, 4,000, 5,000 का प्रॉफिट दिखता है, 2,000, 1,500, 3,000 का नुकसान हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इमोशन पे कंट्रोल रखते हुए ट्रेडर जो है छोटे से लॉस में एग्जिट भी कर जाते हैं, और बड़े प्रॉफिट्स, बड़े पॉइंट्स तक होल्ड कर पाते हैं, जो कि बड़ी कैपिटल में पॉसिबल नहीं होता। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं कि आप एक लॉट में पहले काम करते थे, अब लॉट साइज इवेंचुअली जो है 3 गुना होने वाला है, 3 गुना होने वाला है, कि आपका जो 100 पॉइंट पे आपको 1,500 का प्रॉफिट होता था, अब 100 पॉइंट पे आपको 4,500 का प्रॉफिट होगा। तो ऐसा तो नहीं 4,500 का प्रॉफिट देखते आपको लग लगता है यार 4,500 बन रहे हैं, फटाफट से अपना प्रॉफिट बुक कर लो, ऐसा तो नहीं कि हाथ से निकल जाए। ऐसा तो नहीं होगा आप लोगों के साथ कि भैया नुकसान हो रहा है, 3,000 का नुकसान हो रहा है। ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं भैया, नुकसान को देख के नुकसान काट ही नहीं पाते, उनको लगता है भैया नुकसान मेरे को लेना ही नहीं, अभी मार्केट पलटेगी और मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा, फिर एग्जिट कर जाऊंगा, कॉस्ट पे एग्जिट कर जाऊंगा, पर मुझे नुकसान नहीं लेना। तो ये चीज देखनी पड़ेगी, क्या आपका अपनी इमोशन कंट्रोल हो पाता है ये लॉट साइज जो है बढ़ने की वजह से। तो गाइज देखिए, ये लॉट साइज जो बढ़ रहा है उसमें उन ट्रेडर्स के लिए दिक्कत नहीं है जो ऑलरेडी 2 लॉट में काम कर रहे थे, 4 लॉट में काम कर रहे थे, या 10 लॉट में काम कर रहे थे। और 10 लॉट मैं जानता हूँ यार, आप लोग क्या 10 लॉट में भी काम, 10 लॉट में काम करते हो आप लोग, 100-100 लॉट के अंदर काम करते हो, 200-200 लॉट के अंदर काम करते हो। और मैं ही नए ट्रेडर्स को समझाता भी हूँ भाई, 100 लॉट के अंदर, 200 लॉट के अंदर पैसा नहीं बनता। क्वांटिटी जितनी छोटी रखोगे उतना ही ईजी होता है इमोशन पे कंट्रोल रखना और बड़े पॉइंट्स निकालना। पर फिर भी ट्रेडर जो नहीं सुनते, नहीं मानते, उन्होंने अपनी दिल की करनी है, उन्होंने जल्दी आगे बढ़ना है, और इसी कारण से सैबी इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं। जो लोग मार्केट में चाहते हैं कि भैया जल्दी अमीर बन जाएं, जल्दी पैसा कमा लें, उनकी वजह से ही इस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ताकि बड़े नुकसान ना हो। राइट, समझ रहे हैं आप लोग आई होप इन चीजों के बारे में। और गाइज देखिए, ये चीज को हमने बात कर ली, और जैसे कि मैंने बोला 2 लॉट, 4 लॉट, 6 लॉट, 8 लॉट, 10 लॉट या बड़ी कैपिटल से काम करने वालों के लिए दिक्कत नहीं है। छोटी कैपिटल जो 30,000 से काम करते थे, उनको अब कहीं ना कहीं इनिशियली 30,000 की जगह 60,000 रखना पड़ेगा ऑप्शन को राइट करना चाहते हो, और इवेंचुअली आपको 90,000 रखना होगा ऑप्शन को राइट करने के लिए। और मैं फिर ये चीज मेंशन करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मार्जिन यहाँ पे बढ़ चुके हैं, मार्जिन उसी प्रोपोर्शन में ही है, यहाँ पे लॉट साइज जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, और गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ट्रेडर का दिल तोड़ सकता है, कुछ ट्रेडर को खुश कर सकता है, और मैं यहाँ पे काफी खुश हूँ। यहाँ पे वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे के लिए बंद होने जा रहे हैं, या फिर अगर मैं बोलूँ तो वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पहले की तरह होने जा रहे हैं, जहां पे सिर्फ पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली ऑप्शंस हुआ करती थी, एक ही दिन दोनों की एक्सपायरी हुआ करती थी। पर अब इन्होंने ये बोल दिया है, जैसे अभी दो एक्सचेंजेस है, एनएससी है, बीएससी है, दोनों के पास अपने अपने इंडेक्स इंडाइसेस हैं। जैसे बीएससी के पास सेंसेक्स है और बैंकेक्स है, वैसे ही एनएससी के पास फिन निफ्टी है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, और एक मिड सिलेक्ट है। तो अब 4 की एक्सपायरी या फिर ये 6 की एक्सपायरी की जगह सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 2 वीकली एक्सपायरीज हुआ करेंगी। तो पहले की तरह मुझे ऐसा लगता है कि पहले वाले दिन वापस आने वाले हैं, जहां पे वीकली ऑप्शंस के अंदर या वीकली एक्सपायरी के अंदर ट्रेडर बड़े बड़े नुकसान करते थे, अब वो बड़े नुकसान जो है खत्म होने वाले हैं। एक ही दिन के अंदर जो कैपिटल उड़ जाती थी, कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर कैपिटल उड़ जाती थी, अब वो चीज बंद होने वाली है। राइट, और गाइस आप लोगों को याद होगा पहले क्या होता था, जो बैंक निफ्टी है, मैं तब की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी 30,000 32,000 पे हुआ करता था, और उस टाइम पे एक दिन के अंदर बैंक निफ्टी इतना वोलेटाइल हुआ करता था कि 2% ऊपर या 2% नीचे का मूव दे देता था। पूरे दिन के अंदर बैंक निफ्टी जो 1,000 पॉइंट ऊपर नीचे चल जाया करता था, जो कि वीकली ऑप्शन आने के बाद ये चीज बंद हो गई। क्योंकि वीकली ऑप्शन में होता क्या, ज्यादा राइटिंग होती है, ज्यादा प्रीमियम खाने की कोशिश की जाती है, रोज एक्सपायरी है और रोज ऑप्शन को बेचा जा रहा है, रोज ऑप्शन को मूव नहीं होने दिया जा रहा, ऑप्शन राइटर जो है ना ही ऊपर जाने दे रहे हैं प्राइस को, ना ही नीचे जाने दे रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता था कि इंडाइसी जो है उनकी रेंज छोटी हो गई थी। तो आने वाले टाइम में रेंज जो है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितनी भी इंडाइसीज हैं, इन सबकी रेंज आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। तो ये चीजें, कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें बुरी हैं। सिर्फ मुझे ये लगता है कि जो इसमें से बुरा था, सिर्फ वो वाला पार्ट था कि जहां पे 30,000 रुपए के अंदर पहले काम हुआ करता था, अब 30,000 की जगह 60,000 चाहिए होगा। अब वीकली ऑप्शन जहां पे लोग आते थे डेली, सोचते थे कि भैया भाव जो है दुगना तिगना 4 गुना होगा, होता भी था,
पर वहां पे कितने ट्रेडर थे यार जो ये चीज कर पाते थे। ज्यादातर ट्रेडर जो है निराशा लेके आते थे, ज्यादातर ट्रेडर जो है दिन के आखिर में ही देखते थे कि भैया ये जो 20 वाली चीज 200 की हो गई, पर उसमें आपने तो कुछ नहीं किया ना, आपने तो 20 वाली चीज लेके 22 पे बेच दी, या आपने तो 20 वाली चीज लेके 0 होने का वेट किया, जब 200 हुआ तब तो आपने पॉइंट्स नहीं निकाले, जब 0 हुआ तब आपने होल्ड कर रखा, तो आपको इसमें तो नुकसान ही हो रहा था ना। तो अच्छी चीज है कि ये चीजें बंद हो रही हैं, और वो चीज हो रही है जहां पे आप प्रोबेबिलिटी जीतने की बढ़ती है, प्रोबेबिलिटी आगे पैसा बनाने की बढ़ती है। तो गाइस मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये बदलाव जो है कैसे लगे, क्या आपको लगता है कि भैया अब आगे ट्रेडिंग मुश्किल होने वाली है, या आपको लगता है कि भैया अब आगे मजा आने वाला है पहले की तरह, जैसे कि 1.5 साल पहले 2 साल पहले ट्रेडिंग में मजा आया करता था, जहां पे हम देखा करते बैंक निफ्टी के अंदर भी जो 500 वाली कॉल या पुट है, इतनी मूवमेंट होती थी कि अगर वीकली एक्सपायरी नहीं भी है वो भी देखने को मिलता था कि भैया 500 वाली चीज जो है वो दिन के आखिर तक उसकी वैल्यू जो है 50 आ गई, जो कि अब देखने को नहीं मिलता। अब ऐसा देखने को नहीं मिलता क्योंकि निफ्टी की रेंज, बैंक निफ्टी की रेंज छोटी हो चुकी है। अब एक दिन के अंदर 2% ऊपर नीचे नहीं घूमता, पर जब ये रुकावट जो थी वीकली एक्सपायरीज की वजह से जो दबाव हुआ करता था ऑप्शन राइटर्स की वजह से, अब वो दबाव खत्म हो जाएगा, मार्केट फ्रीली मूव कर पाएगी, और मार्केट न्यूज के ऊपर अच्छा रिएक्शन दे पाएगी। न्यूज जिस तरह की होगी मार्केट में उस तरह की गिरावट भी आएगी, और मार्केट में उस तरह के उछाल भी आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि भैया न्यूज पॉजिटिव और मार्केट जो है ऊपर भाग ही नहीं पा रही, ऑप्शन राइटर जो उसको पकड़ के बैठे हैं। तो अब चीजें जो है खुलने वाली हैं, चीजें जो है बढ़िया होने वाली हैं। तो मुझे प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, आपको पसंद आया या फिर नहीं आया। और साथ ही साथ गाइस अगर इस तरह की वीडियो आप चाहते हो कि आगे भी मैं आप लोग शेयर करता रहूं, इस तरह कुछ चेंजेस आए आगे भी आपकी रिक्वेस्ट पे, ये अभी मेरे रिक्वेस्ट आई तो मेरे को चलो फटाफट वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हो इस तरह की वीडियोस में आगे भी बनाता रहूं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, वो मुझे बताना शेयर कर दी तो। ऑलराइट, चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।